What's up guys, welcome back to White Collar. मेरे पीछे आप देख सकते हो पाल घर. मुंबई से सटे हुए जिले में पाल घर लोकेशन पे मैं आज एक प्रॉपर्टी रिव्यू करने के लिए आया हूँ. अब पाल घर के बारे में जिसको नहीं पता उसको बताया था. वैसे तो सबको पता है मुंबई से एकदम सटा हुआ एक इलाका है. यहाँ से 30-35 मिनट में आप विरार पहुँच जाओगे, वहाँ से 20-25 मिनट में मुंबई पहुँच जाओगे बोरीवली तक. तो ये जो लोकेशन है मुंबई से एकदम सटा हुआ है, लगभग एक घंटे के डिस्टेंस पे है. अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे. इतना यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है. यहाँ पे आप देखोगे कि जो पोर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट यहाँ पे बन रहा है. लगभग 70-75 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है. यहीं से जस्ट बगल में बोईसर है, वहाँ पे प्रॉपर MIDC है. तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जस्ट अभी नया अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने वाला है, वो भी पालघर में. और जो बुलेट ट्रेन की न्यूज़ है जो आप जानते हैं, वो तो ऑलरेडी बुलेट ट्रेन यहाँ पे चालू हो चुकी है. लाइन का काम ऑलरेडी चल रहा है. और उसके बाद जो यहाँ से पालघर से मुंबई जाने के लिए सिर्फ 2 लाइन थी, वो अब बढ़ के 4 लाइन हो चुकी है. जिसकी वजह से पालघर में इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मैं आपको बता दूँ, अगर आप 15-20 लाख रुपए के बीच में घर देख रहे हो और मेन पालघर में देख रहे हो, वो भी पालघर ईस्ट में नहीं, पालघर वेस्ट में अगर आपको घर चाहिए, तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो होगा. एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होगा, मैं जाके क्या ऑफर है क्या नहीं है सब कुछ देखूंगा, पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू करूंगा सैम्पल फ्लैट के साथ. जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, स्टेशन से लेके एंड तक पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा. तो वीडियो में आगे बने रहो, सब कुछ बताता हूँ. तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेलवे स्टेशन मुंबई से सटा हुआ, एकदम भीड़ यहाँ पर हमेशा रहती है. क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुंबई में जॉब करते हैं, यहाँ वहाँ जॉब करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि कम दामों में 100% लीगल बिल्डिंग यहाँ पर मिलती है. और लोकल ट्रेन की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, फास्ट है. लोग हमेशा हर थोड़े देर पर यहाँ पर लोकल ट्रेन पकड़ लेते हैं. बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी भी बहुत ही जल्द आने वाली है. और सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, उसके बारे में एक खास बात बताता हूँ. ये रेलवे स्टेशन से लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है. गाड़ी से जाएंगे तो 4-5 मिनट में पहुँच जाएंगे. और रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही आप देखोगे, ये पालघर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बाहर आते ही आपको गवर्नमेंट की बस की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी. सामने आप देखोगे यहाँ पे ATM, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं. सामने आप शेयरिंग रिक्शा देख सकते हो, जो ऑटो होता है, जो बांद्रा तक चलता है ऑटो, आप देख सकते हो. सामने आप देखोगे ये लोकल बस की कनेक्टिविटी है, गवर्नमेंट की बस की कनेक्टिविटी है. और इसी के बाजू में ये मैजिक वगैरह जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी आप देख सकते हो. इससे भी आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा. मतलब 3 टाइप की चीज़ें हैं, ऑटो भी है, ये मैजिक वाली गाड़ियाँ भी हैं, बस भी है और रिक्शा भी है. तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है. आप जैसे ही प्लॉट से बाहर आओगे, प्लॉट से मतलब रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे, सामने ही आपको पुलिस स्टेशन देखने को मिल जाएगा. और अब मैं आपको रास्ते में पूरी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, बस, रेस्टोरेंट्स, डोमिनोज वगैरह सब कुछ यहाँ पे है. तो मेन चीज़ इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताना चाहता था वो ये है कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि देवेश भाई हमको घर लेना है लेकिन हमारे पास 1-2 लाख भी डाउन पेमेंट करने के लिए नहीं है. बहुत सारे लोग होते हैं कि 50,000 रुपये भी नहीं होता है. तो ये जो प्रोजेक्ट मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, इसकी खास बात यह है कि अगर आपके पास सिर्फ 11,000 रुपये भी हैं तो 11,000 रुपये देके आप बुकिंग करा लो और उसके बाद बाकी का सब लोन हो जाएगा. मतलब ऐसा एक लौता प्रोजेक्ट ये है जिसके ऊपर 100% लोन होता है और ये 100% लीगल प्रोजेक्ट है. अभी तक आप देख रहे हो बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे हैं, वेलनेस फॉरएवर है, डोमिनो सामने मैंने आपको दिखा दिया. यहीं पे मैं यहाँ पे गाड़ी पे बैठ के यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं मोबाइल में टाइमर ऑन करके जाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि अगर गाड़ी से जाते हैं तो कितना दूर पड़ता है. पास में ही SBI बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक्वेट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स. और यहाँ पे खास बात ये है कि रोड भी बहुत चौड़े आपको देखने को मिलेगा और डिवाइडर भी बन रहा है. रास्ते में ग्रीनरी, पेड़ पौधे बहुत है. मतलब एनवायरमेंटली अगर आप शांत जगह पर घर चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है. सामने नेक्सा, बगल में ट्रेंड्स, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स, यहाँ तक कि पूरा का पूरा बिल्डिंग क्रोमा का, जो टाटा का है आप जानते हो, क्रोमा सब जानते हैं, खुल चुका है ऑलरेडी. वहीं से आगे कि हम राइट टर्न लेंगे तो ये एरिया में प्रोजेक्ट है. यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो ऑलरेडी रेडी टू मूव है, सोल्ड आउट हो चुके हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं. और उसी के थोड़ा आगे आओगे तो सामने ये देख सकते हो पूरा का पूरा टाउनशिप है. लगभग 4-4.5 मिनट हुआ है हमको स्टेशन से निकल के और हम लोग 4-4.5 मिनट में हम लोग यहाँ पे गाड़ी से
पहुंच गए। सामने आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा टाउनशिप है, इसके अंदर अभी फिलहाल जो 3 विंग्स हैं जो हम बना रहे हैं, जिसको सोल्ड आउट करने वाले हैं, जिसको बेच रहे हैं, सामने आप देख सकते हो काम बहुत स्पीड से चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो डेवलपर है वो बहुत ही मेरे खास जान पहचान वाले हैं, वो मैं आपको बाद में वीडियो के एंड में डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सामने ही डेवलपर मंदिर भी बना के देने वाले हैं जहाँ पे मैंने जूम किया था। ये सामने आपको बुकिंग ऑफिस देखने को मिलेगा और फिलहाल मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ऊपर, क्योंकि इन्होंने सैंपल फ्लैट वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है, बल्कि एक नहीं दो नहीं तीन तीन सैंपल फ्लैट रेडी किया है। ये एंट्रेंस लॉबी पूरा बना के रेडी कर दिया है, सामने मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा है और लिफ्ट की जो जगह है वो स्पेशली बहुत बड़ी है, मतलब आराम से 5-6 लोग एक साथ लिफ्ट में जा सके उतनी जगह है। जब हम लोग पहले माले पे गए तो फर्स्ट फ्लोर पे आप देखोगे पूरा फ्लोर रेडी हो चुका है, कलर वगैरह सब कुछ करा दिया है। यहाँ पे आपको 3 फ्लैट इस तरफ देखने को मिलेगा और तीनों सैंपल फ्लैट उन्होंने बनाया और जैसा फ्लैट देने वाले हैं एग्जैक्टली वैसा ही बना के दिया। मतलब ये फ्लैट में जो जो आप देख रहे हो सब कुछ आपको एज इट इज मिलेगा। इनफैक्ट आप टाइल्स की क्वालिटी देखो, ये 2x2 के टाइल्स नहीं है, 2x4 के टाइल्स डेवलपर लगा के दे रहे हैं, वो भी इतने कम बजट वाली प्रॉपर्टी में। और जो ऊपर फॉल सीलिंग, LED लाइट्स, फैंस, सब कुछ जो आप देख रहे हो, डेवलपर A to Z हर चीज, वो झूमर भी जो देख रहे हो वो भी आपको इन पैकेज इंक्लूड करके देने वाले हैं। और अगर आप व्हाइट कॉलर के सब्सक्राइबर हो तो 1-1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट, टैक्सेस आप कैसे बचा सकते हो वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। किचन में हम लोग गए तो डुअल प्लेटफॉर्म था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मॉड्यूलर किचन डेवलपर लगा के दे रहे हैं और फुल किचन में टाइल्स लगी हुई है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, पूरी टाइल्स लगी हुई है। यहाँ पे जो सारी फिटिंग्स हैं वो भी ब्रांडेड हैं, फुल टाइल्स आपको लगा के देते हैं। मॉड्यूलर किचन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किचन में भी फैन, LED लाइट्स, एग्जॉस्ट फैन, ये सारी चीज़ें डेवलपर आपको फ्री में देने वाले हैं। मतलब 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है और डेवलपर आपको सेमी फर्निश्ड फ्लैट करके देंगे। और ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ऊपर आप देख सकते हो माले के लिए अलग से जगह है और ये अपना कॉमन वॉशरूम बाथरूम है, बाहर सिंक का एरिया है और वो एरिया में भी पूरा टाइल्स लगा हुआ है। अंदर जब हम लोग जाते हैं तो ये अपना कॉमन टॉयलेट है, आपको गीज़र भी डेवलपर लगा के दे रहे हैं और ये इंडियन टॉयलेट के साथ आता है। यहाँ पे भी लाइट्स वाइट्स, LED लाइट्स, सब कुछ डेवलपर ही लगा के देने वाले हैं। जब बेडरूम में हम लोग जाते हैं तो बेडरूम का स्पेस आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा स्पेस था। सामने आपको विंडो से दूसरा साइड देखने को मिलेगा, इसमें दोनों 1BHK है, मैं दिखाता हूँ आपको। कबर्ड के लिए भी यहाँ पे अच्छे से अच्छा खासा जगह दिया हुआ है, जिसमें आप डायरेक्ट कबर्ड फिट करके, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस आपको लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से स्पेस दिया हुआ है कबर्ड के लिए। ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम वाला फ्लैट बना हुआ है यहाँ पे। मास्टर बेडरूम में वेस्टर्न टॉयलेट है, मतलब इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट दोनों आपको मिलता है। अब इसी के बगल में 3BHK, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। इसी के अपोजिट में एक और 1BHK है। बाहर जैसा दरवाज़ा आप देख रहे हो, जैसा फ्रेम आप देख रहे हो, सब कुछ एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं आपको इतना ज़बरदस्त डिस्काउंट बताने वाला हूँ कि आप खुद देख के सोचोगे हाँ भाई कोई चीज़ तो यहाँ पे बनी हुई है। ये जो दूसरा 1BHK दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये डिट्टो सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि एक मार्केट का पीछे का व्यू मिलता है और दूसरे साइड से देखोगे, मतलब जो दूसरा 1BHK जो दूसरी तरफ है उसका व्यू अलग है, दिशा का भी फ़र्क होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके। बाकी फ्लैट सेम ही है लेकिन बस अलग अलग दिशा में बना हुआ है, तो एक से दूसरा व्यू मिलता है, दूसरे से दूसरा व्यू मिलता है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जो 3BHK अपार्टमेंट है वहाँ पे। अब यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो ये 3BHK अपार्टमेंट का जो हॉल है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि सामने से सीधा है और दोनों तरफ जगह है। मतलब एक डाइनिंग स्पेस के लिए, एक मंदिर के लिए वो कैसा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो जगह आप देख रहे हो ये अलग से आपके खाने पीने के लिए, मतलब डाइनिंग स्पेस जो बनाते हैं वो आप बना सकते हो। और इसके अपोजिट में और जगह है, यहाँ पे आप आराम से कोई भी अपनी स्पिरिचुअल चीज़ें, आप मंदिर वगैरह जो बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हो। और सीधाई में ये आपका हॉल है, सामने आपको टीवी पैनल मिलता है, मतलब टीवी वॉल, यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हो, सामने सोफा रख सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत बढ़िया है। और 3BHK अपार्टमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके बाजू वाले विंग में 2BHK अपार्टमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे है। जो पहला बेडरूम है ये मास्टर बेडरूम है, ये ऑलमोस्ट में गिरने वाला था, बट एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हो बेडरूम का साइज बड़ा है और ये अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है, मतलब ये अपना मास्टर बेडरूम रहने वाला है। और इसके अंदर जो वेस्टर्न टॉयलेट
टॉयलेट है आप देख सकते हो, इंडियन नहीं है, यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है। जो मास्टर बेडरूम है उसमें आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुझे इंडियन चाहिए, या कोई बोलता है मुझे वेस्टर्न चाहिए, तो इसमें दोनों है, इंडियन भी है और वेस्टर्न भी है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉमन बेडरूम है, यहाँ पे भी कबर्ड के लिए अलग से जगह दी हुई है, तो आपको बेडरूम में ही फिट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आप कर सकते हो। ये बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि 3 BHK अपार्टमेंट है, तो तीनों बेडरूम बड़ा नहीं होगा, एक थोड़ा सा छोटा होता है ये स्टडी रूम के लिए। सामने आप देखोगे किचन स्पेस, इसमें भी डुअल प्लेटफॉर्म है, तो किसी में भी बिल्डर ने कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश नहीं की है, दो दो प्लेटफॉर्म लगा के दिया है, वॉशिंग मशीन के लिए, फ्रिज के लिए अलग से प्रॉपर जगह दिया हुआ है, डेडिकेटेड जगह दिया हुआ है, फ्री में फॉल सीलिंग, LED लाइट्स, फैन, एग्जॉस्ट फैन, गीजर, सब कुछ लगा के दे रहे हैं, वो भी उससे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। ये सामने आप देख लो, ये अपना कॉमन टॉयलेट वॉशरूम बाथरूम है, और ये आ गया अपना तीसरा बेडरूम। दोनों बेडरूम का साइज़ अच्छा था, खाली एक जो बेडरूम था उसका साइज़ थोड़ा छोटा था। तो भाई जो प्लस माइनस है मैं सब बताता हूँ, बाकी की डिटेल्स आगे। तो फाइनली पूरी डिटेल्स मैंने वीडियो के अंदर दिखा दी है, और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है, टोटल 3 विंग का जो बिल्डिंग है, सब रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, और इसके जो डेवलपर है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब दोस्त नहीं, उनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। मैं नालासोपारा में रहता हूँ, वो भी नालासोपारा में ही रहते हैं, और इसके पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि बुलेट ट्रेन से एकदम जस्ट बगल में ही था, GM ठाकुर सिटी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा, उसका भी मैंने प्रोजेक्ट रिव्यू किया था, वो तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही सोल्ड आउट हो गया, और सारे YouTube के सब्सक्राइबर्स हमारे, उन्होंने उतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया क्योंकि प्रोजेक्ट उतना अच्छा था। अब उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किए, तो ये जब प्रोजेक्ट चालू हुआ तब उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, जब ये प्रोजेक्ट लगभग लगभग कंप्लीट होने के लिए आया है, नेक्स्ट ईयर में ही इसका पोजेशन देने वाले हैं, तब उन्होंने बुलाया कि भाई जब कस्टमर को कोई चीज देखने को मिले जो घर लेना चाहता है, तो वो ऐसी चीज देखे उसको लगे हाँ भाई मैं आंख बंद करके एकदम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में नहीं ले रहा हूं। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगभग बना दिया है, लॉबी बना दिया है, 3-3 सैंपल फ्लैट बनाए हैं, लोग एक बनाते हैं, कुछ लोग दो भी बनाते हैं, इन्होंने 3-3 सैंपल फ्लैट बनाए, और सैंपल फ्लैट भी ऐसा कि जो चीज देने वाले हैं वही दिखाया है। कुछ डेवलपर्स आप देखोगे शो फ्लैट बना देते हैं, मतलब उसके अंदर फ्रिज, TV, दुनिया भर का फर्नीचर, मतलब जितने का फ्लैट नहीं होता है उससे महंगा इंटीरियर डिजाइन करा देते हैं। अब कस्टमर को समझ में नहीं आता है, कस्टमर ले लेता है, और जब रियलिटी में घर मिलता है तो उसको मिलता है एक डब्बा, तो कस्टमर बोले भाई ये क्या चीज मिल गई। लेकिन इस प्रोजेक्ट में खास बात ये है कि जो तीनों सैंपल फ्लैट आपने देखा, जैसी चीज मिलने वाली है, फैन है, गीजर है, फॉल सीलिंग है, अच्छे क्वालिटी का कलर है, जो जो चीजें वो देने वाले हैं वही एग्जैक्ट चीज लगाकर बनाकर उन्होंने आपके लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। 3 विंग का टोटल प्रोजेक्ट है, और उनका मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की वजह से सोल्ड आउट हो चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बताया कि देवेश मैं तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि उनको पता है हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं और उनके प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स पहले आ चुका है। इस बिल्डिंग में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सब है, 2 BHK बगल वाले विंग में है। अब यहाँ पे 1 BHK में भी 2-3 अलग अलग एरियाज है, 625 स्क्वायर फीट से चालू होता है, और जो प्राइसिंग जाती है वो मोटा मोटी जाती है लगभग लगभग 20 लाख रुपए। लेकिन इसमें फायदा कैसे होने वाला है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो, अगर आप लोग यहां पे घर लेते हैं तो स्टैंप ड्यूटी का कुछ 1 लाख समथिंग लगता है, रजिस्ट्रेशन 30,000 कुछ लगता है, उसके बाद GST 1% लगता है, तो ये पूरा मिला के हो जाएगा आपका लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास, तो ये पूरा पैकेज होगा। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल देखा है, मेरी वीडियोस देखे हैं, आपने व्हाइट कॉलर के आप सब्सक्राइबर हैं, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है, तो इस प्रोजेक्ट पे आपको जो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा वो पूरा माइनस हो जाएगा, मतलब 1.5 लाख रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट। बहुत सारे बिल्डर्स ने मुझे ये ऑफर दिया है कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे तो 50,000 ऑफ कर देंगे, स्पॉट बुकिंग करेंगे तो 50,000 ऑफ कर देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो पूरा का पूरा टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, ये पूरा डेवलपर माइनस करने के लिए, डिस्काउंट करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए रेडी है। तो आपको ये जो फ्लैट है 1 BHK का, आपको 18,75,000 रुपए से मिलेगा, वो भी ऑल इंक्लूसिव, आपको कुछ अलग से नहीं भरना। लेकिन देखिए, एक हम लोगों में एक प्रॉब्लम और है जो मैं खुल के बताना चाहूंगा, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, क्योंकि अभी देखिए जैसे मैंने बोला
कि 1.5 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका पूरा टैक्स बच जाएगा, 1875,000 में मिलेगा इतना नेगोशिएट करने के बाद। तो थोड़े बहुत जैसे हर कोई चाहता है भाई और कम हो जाए, तो यहाँ पे आके फिर लोग बोलते हैं कि भाई 1.5 लाख तो आप कम कर ही रहे हो, अब जो 1875 में दे रहे हो उसमें भी कम करो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है डेवलपर्स के साथ, नेक्स्ट ईयर ही पोजेशन है, उसके बाद भी वो इतना डिस्काउंट देने के लिए रेडी है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है उनके प्रोजेक्ट पे। तो इससे ज्यादा डिस्काउंट आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हाँ, अगर बहुत ही अच्छा पेमेंट शेड्यूल है, सब कुछ है, तो कुछ वर्कआउट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और कोई भी ब्रोकरेज या थर्ड पार्टी किसी एजेंट से किसी ब्रोकर से मिलने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे डायरेक्ट नंबर दे देता हूं, आप फोन करो, ब्रोशर डिटेल्स वीडियो सैंपल फ्लैट के जो चाहिए आप मंगा सकते हो। और कभी भी विजिट करने आना है, पालघर वेस्ट में प्रोजेक्ट है, लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास स्टेशन से डिस्टेंस है, 4-4.5 मिनट में आप गाड़ी से आ जाओगे प्रोजेक्ट पे। यहां से 1.5 किलोमीटर अगर आगे जाओगे तो बीच है, तो जो मुंबई के बहुत सारे लोग हैं जिनको शांत बीच के पास में घर चाहिए, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बीच जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर नहीं जाना है, बगल में ही बीच भी आपको मिलता है, वो भी पालघर वेस्ट में, जहां पे आप जानते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, डीएम है, आईएएस ऑफिसर है, उनका ऑफिस है, यहीं पे कोर्ट है, यहीं बगल में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज दुनिया भर की हैं। और जिस दिन यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया, बुलेट ट्रेन चालू हो गई, जेएसडब्ल्यू का पोर्ट ऑफिशियली वर्किंग चालू हो गया, और ये जो 4 लाइन जो रेलवे की है वो पूरी मुंबई से कनेक्ट हो गई, उस दिन 32-33 लाख रुपए के नीचे यहाँ पे फ्लैट नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इससे भी अच्छी बात जो मैंने वीडियो में आपको बताई, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कॉल आता है, बोलते देवेश भाई देखो मैं ईएमआई भर सकता हूँ लेकिन मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कितना, 2-3 लाख तो होगा ही कम से कम, लेकिन कुछ हमारे भाई हैं जिनके पास 2-3 लाख रुपए भी नहीं होता है, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसी नहीं होती है भाई, जो है सो है। अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, सिर्फ 11,000 रुपए है, तो इस प्रोजेक्ट पे 11,000 रुपए आपको बुकिंग अमाउंट देना है और बाकी सब 100% लोन आपको घर के मिलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे नहीं मिलेगी, इस प्रोजेक्ट पे आपको मिलती है क्योंकि बिल्डर का नाम बहुत है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर कर चुके हैं, तो जो बैंकर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट पे 100% भी फाइनेंस करने के लिए रेडी। आप जानते हैं जो लोग घर लेना चाहते हैं उनको पता है 80% 90% ही लोन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 100% लोन करके मिलेगा, सिर्फ 11,000 रुपए आप भर दो। और अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है तो कुछ 10-11-12-13 हजार रुपए के आसपास आपकी ईएमआई आएगी। अब जितना भाड़ा मुंबई में आप दे रहे हो उतना ईएमआई यहाँ पे अगर आपको मिले तो आपके लिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हाँ, अगर आप 100% लोन कराएंगे तो 2-3 हजार ईएमआई आपकी और ज्यादा आएगी, जो है वो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। तो पूरी डिटेल्स A to Z जो जो हो सकती थी मैंने आपको बता दी है। इसके अंदर आपको पीने का पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिलेगा, बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है, बिल्डिंग के अंदर गार्डन है, सीसीटीवी सिक्योरिटी मेन गेट, बिल्डिंग के अंदर अच्छी अच्छी लॉबीज आपको बना के दे रहे हैं, बड़ी लिफ्ट बना के दे रहे हैं, 5-6 लोग एक बार में जा सकते हैं, तो सारी चीजें डेवलपर दे रहा है और अगले साल ही पोजेशन भी है। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, मैंने डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके साइट विजिट कर सकते हैं। पालघर स्टेशन पे आपको गाड़ी लेने के लिए आ जाएगी, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है, पिक एंड ड्रॉप आपको डेवलपर की तरफ से फ्री में मिलने वाला है। सारी डिटेल्स मिल गई, अब इस वीडियो को मैं करता हूँ खत्म, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी जनरली, क्योंकि मैं हर एक चीज डिटेल में बताना पसंद करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं यार तू बहुत पकाता है, पर ठीक है, जिसको घर लेना है उसको पता है ये डिटेल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग अपना टाइम निकाल के बहुत दूर दूर से आते हैं और अगर उनको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी साइट पर आके वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार यही चीज वीडियो में बता दिया होता तो मैं आता ही नहीं। इस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी का भी कोई इश्यू नहीं है, हर कोई घर ले सकता है, यहाँ पे सब लोकैलिटीज सब कम्युनिटीज भी यहाँ पर अलाउड है। तो सारी डिटेल्स हो गई, अब फाइनली वीडियो को करता हूँ खत्म, अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।